आदरणीय समणी जी, उपस्थित विद्यार्थीगण, आज हम आचारंग सूत्र का पांचवा उद्देशक उसका हम वाचन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि पहले हमने पृथ्वीकाय का वर्णन किया, फिर हमने अपकाय यानी जलकाय का वर्णन किया, फिर तेजसकाय यानी अग्निकाय का वर्णन किया, अब सीधा डायरेक्ट वायुकाय का आना चाहिए, लेकिन वायुकाय का वर्णन न करके वनस्पतिकाय का वर्णन क्यों किया गया? तो वनस्पतिकाय का वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि वायुकाय का इसीलिए नहीं किया क्योंकि वायुकाय को त्रसकाय के अंतर्गत माना है। वायुकाय यद्यपि लब्धि एक होता ना, लब्धि त्रस होता है, गति त्रस होता है, ये गति त्रस है, लब्धि त्रस नहीं गति त्रस है, इसलिए त्रसकाय के बाद इसका विवेचन किया गया है। इसको स्थावर की कैटेगरी, स्थावर है लेकिन स्थावर की कैटेगरी में नहीं मान करके उनको त्रस की कैटेगरी में वायुकाय को माना गया है, इसीलिए वायुकाय का वर्णन है वो त्रसकाय के बाद किया गया है। अभी हम इस उपदेशक में वनस्पति काय का जो वर्णन है उसको हम सुनेंगे। तो आपको समझ में आ गया वनस्पति काय का वर्णन हम किया गया है। हाँ, तो सबसे पहला सूत्र है इसका, तम नो करिष्यामि समुत्थाय। तम नो करिष्यामि समुत्थाय, अहिंसा व्रति संकल्प करे, मैं अहिंसा धर्म में दीक्षित होकर वह हिंसा नहीं करूंगा। मतलब जो दीक्षा ले लेता है वो चिंतन करे कि मैंने दीक्षा ले ली है तो अब मैं षड्जीविकाय की जो हिंसा है उसको नहीं करूंगा। षड्जीविकाय का मतलब पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय, ये षड्जीविकाय है। तो षड्जीविकाय की मैं हिंसा नहीं करूंगा। तम नो करिष्यामि समुत्थाय, नो करिष्यामि नहीं करूंगा, कौन संकल्प करे? जो अहिंसा व्रत का पालन करने वाले हैं, यानी अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन कौन करते हैं? जो संयमी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। वो किसी भी, उनको कोई एक्सक्यूज नहीं कि अमुक परिस्थिति में आप हिंसा कर सकते, इवन प्राण भी चले जाए लेकिन वो हिंसा नहीं कर सकते, वो किसी भी प्रकार के मन से, वचन से, काय से। इसलिए वो सबसे पहले वो संकल्प करते हैं कि मैं षड्जीविकाय की हिंसा ना करूंगी, न कराऊंगी और उसका अनुमोदन भी नहीं करूंगी। मन्ता मैमम अभयम विरिक्ता, मतिमान, मैमम का मतलब है मतिमान। पुरुष क्या करे? जीवों के अस्तित्व का मनन कर, मन्ता का मतलब है जीवों के अस्तित्व का मनन कर, और सब जीव अभय चाहते हैं, अभय माने अभय चाहते हैं, इस आत्म तुला को समझ कर किसी की भी हिंसा नहीं करता। विदिता यानी जान करके किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है। जो बुद्धिमान होता है वो क्या मानता है कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही वनस्पति काय के जीवों की आत्मा है, ऐसा चिंतन करके जो बुद्धिमान है वो क्या है, मन से भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है क्योंकि वो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है। नेक्स्ट सूत्र है, तम जे णो करे एसो वरे एथो वरे एस अणा अणगारेति पवुच्चै। जो हिंसा नहीं करता वह व्रती होता है, मतलब व्रती कौन होता है? जो हिंसा नहीं करता वो व्रती होता है, जो हिंसा करता है वो व्रती नहीं होता है। इस वनस्पति लोक की हिंसा के विषय में जो व्रती होता है वही अणगार कहलाता है। अणगार एटले जो साधु कौन हो, जिन्हें पचखाण हो, त्याग हो, ए साधु, जिन्हें पचखाण हो ए साधु न कहवा। तो पचखाण जेने करेला छे तो हूँ हिंसा ना कर, क्यारे पण हिंसा नहीं करूं, क्यारे पण झूठ नहीं बोलूं, क्यारे चोरी नहीं करूं, मैथुन सेवन नहीं करूं, परिग्रह। साधु ने पांच महाव्रत हो छे तो पांच महाव्रत नु पालन करे, एमां बधाई थी पहले छे अहिंसानु व्रत। अहिंसानु व्रत छे कि जो साधु हो छे ए कोई पण जातनी हिंसा नथी करता, तो हिंसा न करे एज त्यागी कहवा, एज साधु कहवा। जो हिंसा करे ए क्यारे पण साधु न कहवा। घणा लोग साधु ना वेश में हो पण घणी बधी हिंसा करता हो ए साधु न कहवा। तो साधु कौन कहलाता है? जो हिंसा नहीं करता है।
जो मुनि अभय को जानकर वनस्पति काय का समारंभ नहीं करता वह उपरत कहलाता है, उपरत यानी संयमी कहलाता है। वनस्पति काय के समारंभ से ही गृहस्थ गृह निर्माण करते, माने वनस्पति नो आरंभ समारंभ थी शू शू था, तो आपने गृह जो घर बनावे ने घर नव घर ते बनाव के न्यू हाउस छे हमारा ओल्डर ने जोई नव जोई तो नव घर ते बनावो तो एमां केटला बधा वनस्पति काय ना जीवन हिस्सा थाय, केम के एमां वुडन तमे यूज करशो, लाकड़ा यूज करशो, घणा बधा अने दरवाजा यूज करवा पड़े, खिड़की बारी पण नखावी पड़े, विंडो पण होय, तो बधी दरेक चीज होय लाकड़ा ने वस्तु बधी सेनाथी थाय छे, वनस्पति थाय छे, तो घणो घर बनावी एमां पण वनस्पति जीवनी हिस्सा थाय छे। अने एने साथे साथे कहीं छे इस वनस्पति लोक में वृक्षो अर्थात अगका मतलब वृक्ष अर्थात समस्त वनस्पति के समारंभ से उपरत होता है और अगर निर्माण की प्रवृत्ति में व्यापृत नहीं होता, जो घर से घर बनावानी से क्रिया से ए पण न करे, जो मुनि हो ए पोते पण घर न बनावे अने अनुमोदन पण न करे कि तमे घर बनाओ, हूँ तो नहीं बनाता तमे बनाओ। आपणे कई वक्त लई ने पचखा, हूँ तो घर बनावीश नहीं पण नवं घर मने मळशे तो हूँ लई लईश, हूँ यूज करीश, परंतु जे साधु होय छे ए पोताना निमित्ते पण घर नथी बनावता अने કોઈને કહેતા પણ નથી તમે મારા માટે મકાન બનાવો, અથવા અનુમોદન પણ એનું નથી કરતા, હું અનુમોદન ભી નહીં કરતે હૈ। જે ગુણે સે આવર્તે, જે આવર્તે સે ગુણે, જો વિષય હે વો આવર્તે હૈ, આવર્તન મતલબ સંસાર, જો વિષય એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયનો જે વિષય છે, પાંચ ઇન્દ્રિયનો વિષય કયા છે કાલે બતાવી દો, કે આંખનો વિષય શું છે રૂપ છે, કાનનો વિષય શું છે શબ્દ છે, ઘ્રાણનો વિષય શું છે સ્મેલ છે, અને ટંગનો વિષય શું છે જીભનો વિષય ટેસ્ટ છે, અને સ્કિન છે એનો વિષય છે સ્પર્શ, એ પાંચ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે, એમાં વ્યક્તિ શું થાય છે આસક્ત બની જાય છે। આપણે રૂપ જોવું, રૂપ દેખના, શબ્દ સુનના કોઈ દોષ નહીં, લેકિન ઉસકે પ્રતિ હમ જો રાગ અથવા દ્વેષ કા ભાવ કરતે વો દોષ કે ભાગી બન જાતે હૈ, तो क्योंकि आंखों के सामने अच्छे रूप भी आएंगे बुरे रूप भी आएंगे, लेकिन हमें उसमें क्या है न राग करना है न द्वेष करना है, तो उसमें व्यक्ति कितना तटस्थ रह सकता है, बैलेंस रख सकता है कि मुझे राग भी नहीं करना है द्वेष भी नहीं करना है, बस ठीक है अच्छी बात है तो अच्छी चीज है, लेकिन उसके प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि आसक्त से क्या होता है कर्म का बंधन होता है। तो गुण का मतलब होता है विषय, विषय कौन से पांच इंद्र के जो विषय है उसमें हमें आसक्त नहीं होना, क्योंकि वो आवट्टे, आवट्टे का मतलब संसार है, क्योंकि पांच इंद्रियों में आसक्त रहने से अटैच उसमें होने से ही हमारा संसार है वो बढ़ता जाता है, तो हमें संसार को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वनस्पति काय के जीव की हिंसा एक तो घर के घर बनाने में होती है, दूसरी कि आप फूल जो है फ्लावर्स है फल है, फल भी होते हैं वो भी वनस्पति काय के जीव की हिस्सा होती है, फ्लावर्स होते, कई लोग बहुत सारे फ्लावर्स लाते हैं फिर उसको पहनते हैं फिर किसी को चढ़ाते हैं, उसमें भी कितने जीवों की हिस्सा होती है, जो आप गद्दा जो आप करते हैं यूज करते हैं ना सोते बेड, कभी कभी वो आजकल पता नहीं रुई का गद्दा भी आता है, रुई का बेड भी आता है, तो उसमें भी रुई सारी है वनस्पति से ही बनती है, उसमें भी कितने जीवों की हिंसा होती है, ये सारी है वो, क्योंकि वनस्पति के हिंसा कैसे कैसे होती है इसमें सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं। जो वनस्पति के समारंभ में प्रवृत्ति करता है वह गुण में प्रवृत्ति करता है, यानी वनस्पति का एक जीव की जो हिंसा करे छे हिंसा करता है ये गुण में एटले विषयों में प्रवृत्त थाय छे, यानी उसमें प्रवृत्त होता है, जो गुण में प्रवृत्ति करता है जो विषय में प्रवृत्ति करता है वो आवर्तनीय प्रवृत्ति करता है, आवर्त का मतलब है वो संसार में परिभ्रमण करता है, जो आवर्त में प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थ ही अंगार नहीं हो सकता, जो संसार में परिभ्रमण करता है वह गृहस्थ ही होता है, कभी भी वो अंगार यानी साधु वो नहीं होता है। इस सूत्र की रचना गत प्रत्यागत शैली में है। नेक्स्ट सूत्र है उद्दम अहम तिर्यम पायिनम पास माणे रुवाइम पास थी सुन माणे श्रद्धाइम सुने थी। उद्दम का मतलब ऊंचे, अहम का मतलब नीचे, तीर्य मने तिरछे, पायण मने प्राणियों के, ऊंचे नीचे
और तिरछे स्थानों में तथा पूर्व आदि दिशाओं में देखने वाला रूपों को देखता है, सुनने वाला शब्दों को सुनता है, क्योंकि चार ही बाजू थी, चारों ओर से के आपको शब्द तो सुनने को मिलेगा, रूप भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है, हमें क्या है, अटैच नहीं होना है। इस जिज्ञासा का समाधान यह किया गया है कि दिशा को छोड़कर इसका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसीलिए सूत्रकार कहते हैं सब दिशाओं में गुण होते हैं, ऐसे नहीं कि अमुक दिशा में विषय है, सभी गुण का मतलब पांच इंद्रियों के विषय है, सभी दिशाओं में है, चाहे ऊंची दिशा हो, चाहे नीची दिशा हो, चाहे तिरछी हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, सभी दिशाओं में क्या है, विषय होते हैं। मनुष्य ऊपर देखता हुआ भी रूपों को देखता है, कभी कभी हम ऊपर देख रहे हैं लेकिन हम रूप को भी देख रहे हैं, कभी कभी सुनता हुआ शब्द को सुनता है, एक तरफ हम प्रवचन भी सुनते हैं, दूसरी तरफ किसी की आवाज आती है तो हमें सुनाई देती है। इस प्रकार नीची, तिरछी और पूर्व आदि दिशाओं में भी रूपों को देखता है और शब्दों को सुनता है। इंद्रिय विषय में रूप और शब्द ही मुख्य है, जो पांच इंद्रिय है, जो अपनी पांच इंद्रिय छे, रूप और शब्द एज भी मुख्य छे, मेन छे, बाकी तो बधा छे, पर आ मेन छे शब्द और रूप, केम के बधारे अपना ने परेशान कौन करे, शब्द करे, अपना ने सारा शब्द आवे तो अपना सारा लागे, अच्छे शब्द अपने कान में आते अच्छे लगते, बुरे आते तो अपने को अरे लगता है कि आपने मेरे लिए ऐसे शब्द बोल दिया, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या है, अच्छा नहीं लगता है, और उनकी तारीफ करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और बोलेंगे अरे आप तो ऐसे है वैसे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। रूप भी होता है, एक व्यक्ति सुंदर होता है तो अपन आकर्षित हो जाते हैं, बाद में तो उनके जो अच्छी क्वालिटी होती है उससे आकर्षित होते हैं, लेकिन फर्स्ट तो इम्प्रेशन किसका होता है, रूप का होता है, किसी की हाइट बॉडी अच्छी होती है, देखते रहे कितना सुंदर है, देखो समझिए ये लड़की कितनी सुंदर है, लड़का कितना सुंदर है, तो अपन एक बार तो सबसे पहले तो रूप में आकर्षित होते हैं, बाद में उनकी प्रशंसा होती है जब अगर गुण है तो। जैसे अष्टावक्र जब आते हैं तो आते ही तो क्या है, आठ अंगों से वो टेढ़े मेढ़े थे, जैसे उनको देखते सब हंसते हैं, लेकिन बाद में उनके ज्ञान की पता चला कि कितना ज्ञान है, कितने ज्ञान ही अष्टावक्र, उसके बाद तो सभी उनके लट्टू हो जाते हैं, उनका सब रेस्पेक्ट करते, सबसे पहले तो पता नहीं ना, तो वैसे ही मेन क्या है, एक तो है अपना शब्द और दूसरा है रूप, यही हमें ज्यादा परेशान करते हैं। उद्दम अहम तीर्यम पायणम मुच्छमाणे रूपेशु मुच्छति शब्देशु यावी आवी, ऊंचे नीचे और तिरछे स्थानों में तथा पूर्व आदि दिशाओं में विद्यमान वस्तुओं में मूर्छित होने होने वाला रूपों में मूर्छित होता है, रूपों में मूर्छित कौन होता है, जो ऊंचे नीचे तिरछे राइट लेफ्ट जो भी है, ऊर्ध्व है नीचे दिशा है, उनमें जो विद्यमान वस्तु है, उसमें जो भी विषय है पांच इंद्रियों के, उसमें जो व्यक्ति मूर्छित यानी आसक्त होता है, अटैच होता है, वह व्यक्ति क्या है, शब्दों में भी मूर्छित हो जाता है, जो पांच इंद्रियों के विषय है उसमें भी वो मूर्छित हो जाता है। तो प्राणियों का बाह्य जगत के साथ संपर्क इंद्रियों के माध्यम से होता है, तो संपर्क सूत्र में आंख और कान की ही प्रधानता होती है, आपने जो बाह्य साधन है संपर्क तो किससे होता है, इंद्रियों के माध्यम से, अगर इंद्रियां ना होती तो हमारा संपर्क बाह्य जगत से नहीं होता, तो इंद्रियों के माध्यम से हम करते ना, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, तो नाक से हम सूंघते हैं, तो बाहर के जो विषय है उसको हम ग्रहण किसके माध्यम से करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। भाषा के आधार पर होने वाला संपर्क समाज की संरचना करता है, अपन आम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, समाज होता है, क्योंकि मनुष्य का समाज होता है, पशु पक्षी का समाज नहीं होता है, क्योंकि वो स्पष्ट भाषा नहीं बोल सकते, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी हो जो स्पष्ट भाषा बोल सकता है। आंखों से पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं, आंख से हम जो वस्तु है पदार्थ है यानी आपने स्पष्ट रूप से जो ही सकिए, इसलिए समाज की संगठना में आंखों और कान ये दो ही मुख्य होते हैं, समाज ने रचना में मुख्य बे चीज है आंख और कान। सूत्रकार ने भी प्रस्तुत आलापक में इन दोनों इंद्रियों के विषय का उल्लेख किया है। तो मूर्छा का मतलब होता है राग द्वेष का परिणाम, मूर्छा का मतलब है किसी के प्रति राग हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, वो मूर्छा होता है यानी अटैचमेंट हो जाता है। एस लोए विया ये,
एस लोए वियाही, इसे लोक कहा जाता है, यानी आसक्ति का जगत कहा जाता है, यानी मूर्छा को, इस इंद्रिय विषय लोक को मूर्छात्मक कहा गया है। मोह से आक्षिप्त चित्त वाले मनुष्य की मूर्छा सहज होती है, उसके उद्दीपन में इंद्रिय विषय निमित्त बनते हैं। मूर्छा भिन्न है, इंद्रिय विषय अलग है। भिन्न का मतलब अलग है, मूर्छा जुदी से न इंद्रिय विषय बने ए जुदा से, दोनों में भेद होने पर भी दोनों एक दूसरे के संबंध में हेतु बनते हैं। इंद्रिय जो इंद्रिय ने जो पांच इंद्रिय विषय से जुदा से मूर्छा से जुदू से, परंतु बे से एक बीजाने सहयोग करे हेल्प करे, एटला माटे ए बन्ने नो नाम आवे छे। इसलिए अभेदोपचार से इंद्रिय विषय लोक को मूर्छात्मक लोक कहना उपयुक्त है। एटला माटे जो इंद्रिय विषय लोक से एने मूर्छात्मक लोक पण कही सकी आपणे, एवुं उचित कीधु छे। एथ अगुत्ते अनाणाए, जो पुरुष इस लोक में अगुप्त होता है वह आज्ञा में नहीं। अगुप्त एटले अगुप्त एटले राग द्वेष ना वश्म होय, जेमा राग होय द्वेष होय ए अगुप्त कहेवाय। जो मनुष्य इस वनस्पति जनित काम गुणों में अगुप्त है वह अनाज्ञा में है। अगुप्त का अर्थ है राग द्वेष के वशीभूत। आज्ञा का अर्थ है सूक्ष्म तत्व का ज्ञान अथवा अतिंद्रिय ज्ञान। अगुप्त ना मतलब शू राग द्वेष, जो राग द्वेष में फसायेला होय ए पोते पण फसाई जाए अने एनी आत्मा ने पण डुबाड़ी नाखे। એટલા માટે આપણે રાગ દ્વેષ થી કેમ બચી શકીએ એ આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે। અને આજ્ઞા કા અર્થ હે સૂક્ષ્મ તત્વ કા જ્ઞાન, યાની આપકો સૂક્ષ્મ તત્વનું જ્ઞાન હશે ત્યારે તમે હિંસાનું હિંસા છોડી શકશો અને અહિંસાનું પાલન કરી શકશો। તો એ કોણ કોણ કરી શકે? જેની પાસે તત્વનું જ્ઞાન હોય અથવા અતિંદ્રિય જ્ઞાન હોય। અતિંદ્રિય જ્ઞાન એટલે જેની પાસે કેવળ જ્ઞાન હોય, અવધિ જ્ઞાન હોય, મન પર જ્ઞાન હોય, એને ખબર પડે કે આમાં જીવ છે આમાં જીવ નથી, તો એ પ્રમાણે અહિંસાનું પાલન કરી શકે। આજ્ઞા કા ન હોના અનાજ્ઞા હૈ, જો કામ ગુણો કા વશવર્તી હોકર વનસ્પતિ જીવો હિંસા કરતા હૈ વહ અનાજ્ઞા મે હૈ, વહ અતિન્દ્રિય વિષય વિશે અનભિજ્ઞ હૈ। જો કામ ગુણ છે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય છે, એમાં જો આસક્ત થઈને વનસ્પતિ જીવોની હિંસા કરે છે એ ભગવાનની આજ્ઞામાં નથી। ભગવાન તો ના પાડે છે કે તમારે હિંસા નથી કરવાની, પણ છતાંય ગૃહસ્થ હોય એ હિંસાથી ન બચી શકે, વો હિંસા સે નહીં બચ સકતા હૈ, તો કમ સે કમ હિંસા કા પ્રયોગ કરે। અનાસક્ત ભાવ સે આપ સબ્જી ભી સુધાર રહે તો ભી ચિંતન કરે કે ક્યા કરું, મુજે કરના પડતા હૈ। સબસે પહેલે આપ આજ્ઞા લે સકતે હૈ, ક્યા કરું, મેરે કો આપકા મતલબ આપકી બિના ચલતા નહીં, ઇસલિયે સોરી મેં ક્ષમા યાચના કરતી હું, आपको कष्ट होगा, मैं आपको सुधार रही हूँ। लेकिन एकदम मन में इतनी मतलब ग्लानी हो, इतना कष्ट हो, तो उस भाव से आप करते हैं तो सब्जी सुधारते तो आपके कर्म का बंधन कम होता है। सब्जी सुधारते समय आप एकदम इतनी प्रफुल्लित होते, इतने हर्षित होते हैं, खुशी मनाते हैं, देखो आज मुझे इतनी अच्छी सब्जी बनाना है, सब मेरी तारीफ करे, आज एकदम बारीक बारीक मुझे सुधारना है। तो ऐसा भाव रखेंगे तो उससे आपके निकाचित कर्म बन जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी होती है हमारी क्या हमारी जो भावधारा होती है वो क्या है, ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कर्म का बंधन ज्यादा होता है। जितनी हमारी इंटेंसिटी होती है उतना ही कर्म का बंध ज्यादा होता रहता है। इसलिए क्या है, जब सब्जी सुधारे तो भी हमें उससे पहले क्षमा याचना करना है, मन में भाव करना है कि क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, मैं करना नहीं चाहती हूँ लेकिन मेरा इसके बिना काम नहीं चलता, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। उस भाव से करेंगे तो कर्म का बंध कम होगा। पुणो पुणो गुणा साये वंक समायारे पमत्ते गारो माशे, जो बार बार विषयों का आस्वाद करता है, जिसका आचरण वक्र यानी असमय असंयमय होता है, जो प्रमत्त होता है, वह गृह त्यागी होकर भी गृहवासी होता है। मतलब जो एक तरफ तो એને દીક્ષા લઈ લીધી છે, દીક્ષા લીધા પછી પણ જો વિષયનો બાર બાર વારંવાર અગેન અગેન સેવન કરે ઘડી ઘડી વારંવાર, તો એ શું છે, અસંયમ છે ને એ પ્રમાદી છે। ભલે ગૃહસ્થ નો ઘર છોડી દીધું, દીક્ષા લઈ લીધી, છતાં એ શું છે, ગૃહસ્થ છે, મુનિ વેશમાં પણ ગૃહસ્થ છે, મુનિનો વેશ પણ શું છે,
અને અંદર અવગુણ શું છે, કેમ કે ઘડી ઘડી એને સારા સારા વિષય સારા લાગે છે. પાંચો ઇન્દ્રિયનો જો વિષય છે એને ગમે છે અને એનું વારંવાર એનું સેવન કરે છે, એના માટે કીધું છે કે ગૃહ ત્યાગી એની સાધના બેસમાં પણ શું છે, ગૃહવાસી છે. જો બાર બાર ગુણો અર્થાત ઇન્દ્રિય વિષય કા આસ્વાદ લેતા હે, અસંયમ કા આચરણ કરતા હે, વહ પ્રવૃત્ત હોતા હે, વહ પુરુષ ગૃહ ત્યાગી હોકર ભી વસ્તુતઃ ગૃહવાસી હે. વક્ર કા અર્થ હે અસંયમ. આગમ કી પરિભાષા મેં ઋજુ કા અર્થ હે સંયમ કા મોક્ષ, ઓર વક્ર કા અર્થ હે અસંયમ કા સંસાર. સંયમ યા મોક્ષ, રીજુ કા મતલબ હે સંયમ અથવા મોક્ષ, વક્ર કા અર્થ હે અસંયમ અથવા સંસાર. અને જો રીજુ વ્યક્તિ હો એ મોક્ષ ની તરફ જલ્દી આગળ વધી શકે. જો માયા કરે, વક્ર એટલે જો માયા કરે એ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો રહે, એટલા માટે આપણે માયાથી કેટલા બચી શકીએ, કેટલા સરળ બની શકીએ, આપણે સ્વભાવને કેટલો સરળ રાખી શકીએ, કેટલા સરળ બના શકતે, વો અપને કો ચિંતન કરના હૈ. જો અનગાર વનસ્પતિ કે રસા સ્વાદન મે આસક્ત હોતા હે, વહ વાસ્તવે ગૃહવાસી હોતા હે. એ તથ્ય નિશિત ભાષ્ય મે સ્પષ્ટ રૂપ સે પ્રતિપાદિત હે. લજ્જમાણો પુરો પાસ, તું દેખ પ્રત્યેક સંયમી સાધક હિંસા સે વિરત હો સંયમ કા જીવન જી રહા હે. જો સંયમી હોતા હે વો પ્રત્યેક સાધક, કોઈ ભી સાધક હો સંયમી હે, વો હિંસા કા જીવન નહીં જીએગા, વહી સા કા હી જીવન જીએગા. આજ હમને 99 સૂત્ર કમ્પ્લીટ કર દી હે, પર અણગારો મો તો યે ભી અપના હો ચુકા થા, ઓર ઇસકે બાદ વાલા યે ભી જમીનમ વાલા ભી હો ચુકા હે. એક વાર સૂત્ર ખાલી કર લેતે હૈ તો 101 હો જાયેગા. લજ્જ માણા પૂરો પાસ હો ગયા. અણગારા મુક્તિ એગે પવે માણા, ઓર તું દેખ કુછ સાધુ હમ ગૃહ ત્યાગી હૈ, યે નિરૂપિત કરતે હુએ ભી ગૃહવાસી જૈસા આચરણ કરતે હૈ. વનસ્પતિ કા એક જીવો કી ભી હિંસા કરતે હૈ. એક તરફ તો બોલતે હમ ગૃહ ત્યાગી સાધુ હૈ, દૂસરી તરફ વો વનસ્પતિ કા છેદન ભેદન કરતે, યાની વનસ્પતિ કો સુધારતે હૈ, સબ્જી બનાતે હૈ, ફલ ફ્રૂટ ખાતે હૈ અપને હાથ સે, મતલબ સચિત વસ્તુ હોતી હૈ. સાધુ કો જો સૂઝતી વસ્તુ મિલતી હૈ, પ્રાસક વસ્તુ મિલતી હૈ, વહી ખા સકતે હૈ. માન લો આપ ફ્રૂટ ભી દેના ચાહે તો છિલકે બીજ નિકાલ કરકે દે તો સાધુ લે સકતા હૈ, અગર છિલકે હૈ બીજ હૈ તો વો સાધુ નહીં ખા સકતા હૈ, ક્યોંકિ વો ઉસમેં વો સજીવ હોતા હૈ, ઇસલિયે પાપ લગતા હૈ. જમીણમ વિરુરુએહિમ સત્યહિમ વણસ્ય કમ્મ સમારંભેણમ વણસ્ય સત્તમ સમારંભ માણે અન્ય વણે ગૃહે પાણે વિહિંસંતે. વહ નાના પ્રકાર કે શસ્ત્રો સે વનસ્પતિ સંબંધી ક્રિયા મે વ્યાપૃત હોકર વનસ્પતિ કા એક જીવ કી હિંસા કરતા હૈ. વહ કેવલ ઉન વનસ્પતિ કા એક જીવ કી હિંસા નહીં કરતા, કિંતુ નાના પ્રકાર કે અન્ય જીવો કી ભી વો હિંસા કરતા હૈ. તો વનસ્પતિ કે જો હિંસા કરતા વો કેવલ વનસ્પતિ કે નહીં કરતા, ક્યોંકિ કભી કભી દેખતે હૈ ઉસમેં લટ્ટે ભી હોતે હૈ, કભી કભી જો આદ્રા નક્ષત્ર કે બાદ આમ લાતે કભી કભી વ્હાઈટ વ્હાઈટ લટ્ટે હોતી હૈ, કભી કભી ભિંડી મેં ભી લટ્ટે હોતી હૈ, બેંગન મેં ભી લટ્ટે હોતી હૈ. અગર આપ સુધારતે હૈ ઉસ સમય આપ અગર બાતે કરતે હૈ યા કોઈ વિડિયો સુન રહે હો, કોઈ ક્લાસ અટેન્ડ કર રહે હૈ, સબ્જી ભી સુધારતે જા રહે, ઉસ સમય ક્યા હોતા હૈ, જો ત્રસ્ત જીવ હોતી ઉનકી વિરાધના હો સકતી. ઇસલિયે સબ્જી સુધારતે સમય તો વિશેષ ધ્યાન રખના ચાહીએ કે સબ્જી મેં હી આપકા ધ્યાન રહે, કે કહીં પર ભી આપકો કોઈ ઉસ સમય ક્લાસ અટેન્ડ નહીં કરના હૈ, ઓર કોઈ બાતે ભી નહીં સુનના હૈ, બસ કેવલ સબ્જી સુધારને ધ્યાન રખે, તો આપ ઉન જીવો કી હિંસા સે બચ સકતે. વરના આપ ફ્રૂટ ભી ખાય, ચીકુ ભી ખાય, કભી કભી હમને એક વાર દેખા થા ચીકુ ઇતના ફ્રેશ, લેકિન મતલબ કોઈ સોચ ભી નહીં સકતા ઇસમે ઇતની લટ્ટી હોગી, ક્યોંકિ મેરી આદત હૈ એક એક પીસ કો એસે આગે પીછે પૂરા મેં દેખ દેખ કે ખાતી હું, તો ઇતની સારી લટ્ટે મેં સામને જી કો બોલી તો લટ્ટે ભયંકર, વો દો તીન પીસ કે હમને તો ખા લે, કોઈ બાત નહીં અબ તો દેખ દેખ કે મેં દેખ લિયા હૈ ઇતની સારી લટ્ટે સામને દેખા, હા કિતની અચ્છી બાત હૈ આપકી આદત અચ્છી હૈ, અબ હમ ભી દેખ દેખ કે ખાયેંગે, કભી બિના દેખે નહીં ખાયેંગે, ઉપર સે આમ ઇતના ફ્રેશ ઉસમે ભી ઇતની લટ્ટે, એક બાર તો પૂરી લટ્ટે લટ્ટે ઇતની સારી નિકલી. इसलिए हम जब भी खाना खाए, फ्रूट खाए, जो भी आपको ऊपर से भी फ्रेश लगेगा, दिखने में इतना फ्रेश, कलर भी इतना अच्छा, लेकिन उसमें भी लट्टे होती है कई बार, ऐसा हमने तो कितनी बार देखा है. आपने पता नहीं यहाँ नहीं होता होगा शायद लंदन में अमेरिका में, लेकिन इंडिया में तो कई बार एकदम बाहर से फ्रेश फ्रूट होते हुए भी उसमें कई बार लट्टे आ जाती है. मेरे तो कई बार दो तीन बार मेरे काम पड़ गया ऐसा. इसलिए अपन को क्या करना है, वो जो उनके आश्रित जीव होते हैं उनसे भी हम कैसे बच सकते हैं, जब हम पूरी भावक क्रिया से हम काम करें, जो भी हम काम करें उसी में हमारा मन रहे, माइंडफुलनेस बोलते हैं ना, माइंडफुलनेस,
माइंडफुलनेस के साथ आप अगर हम सब्जी सुधारते हैं, खाते हैं, तो आपको क्या है, दूसरे जीवों की हिंसा नहीं लगेगी। वनस्पति का एक ही जीवों की तो आपको हिंसा करनी पड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके छोटी छोटी लटे होती है, आजकल तो मिर्ची में भी आती है, तो भिंडी में भी आती है, बैंगन में भी आती है, कई चीजें ऐसे होती है जिसमें लटे निकलती है, तो वो वनस्पति और जो फ्लावर्स होती है, गोभी होती है, उसमें इतनी लट्टे होती है, देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए हो सके तो फ्लावर गोभी और फ्लावर से खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन गुजराती लोग हैं वो गोभी की सब्जी ज्यादा ही करते हैं, फ्लावर्स ज्यादा करते हैं, फ्लावर। तो उसमें कितनी जीवों की हिंसा होती, छोटी छोटी बाल जैसे पतली पतली लट्टे होती, दिखती भी नहीं है। तो इसलिए कम से कम हम ऐसी सब्जी ना बनाए जिससे ज्यादा हिंसा होती हो। तो कल हम आगे करेंगे वनस्पति काय के जीवों के कौन कौन से शस्त्र हैं, तो उसके आगे जो भी है उसका हम विवेचन आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो तो। समझ पड़ी बदी? हाँ।